अभी हमें खुद गरेबान में जाकर बैठे अपने फ्यूचर का सोचना, अपने में जितनी खराबी है अपने अंदर वो अपने खुद निकालनी है। कोई दोस्त यार पड़ोसी माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप सीरियस नहीं हैं अपने आप को अच्छा इंसान बनाने में और एक सूदमंद इंसान बनाने में। कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो जानवर को इसलिए वो सोशल नहीं है कि वो अपनी रिस्पांसिबिलिटीज नहीं जानता है। फर्दर पैदा कर लिया, खत्म, अलग हो गए। लेकिन हमें, हम सोशल किस्म के ह्यूमन बीइंग हैं, तो जब पैदा होते हैं हमारे पर कंधों पर जिम्मेदारियां, पैदा होते सारी माँ बाप उस निगाह से देखना शुरू होते हैं कि ये बच्चा जवान होगा, हमारा सहारा होगा, अल्लाह सहारा, ये बच्चा सहारा बने, वो सहारा। जब आप पैदा हुए तो माँ ने गोद में देखा, इतनी मुस्कुराई कि अल्लाह ने बेटा दिया, ये नाम रोशन करेगा। ये बड़ा अफसर बनेगा, ये जनरल बनेगा, ये कह रही है। ये नहीं कहती कि ये नहीं कहती है ये रामी बनेगा। आप उसकी सोच देखो, उसकी सोच कितनी ऊंची है। उसकी सोच जो है उसको बाहर लाने के लिए आपको उसका दिल बर्दाश्त उसको नहीं करना चाहिए। रात दिन मेहनत करके बेटा उसको खुशियां मुयस्सर करें जो आप कर सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने ये एक आपके जिम्मेदारी ली है कि फिर मैं आपको खुशियां मुयस्सर करूंगा। वो करेगा, मैंने अपने ऊपर देखा है, मुझे दिया अल्लाह ताला ने सब कुछ, खुशियाँ दी हैं, सेहत दी है, सुकून दिया है, आप जैसे प्यारे बच्चे दिए हैं, अच्छे सेहतमंद बच्चे दिए हैं, ये इससे बड़ी और क्या अल्लाह ताला की अनायत हो सकती है। आपका देना भी एक बड़ी नेमत है, बच्चे अच्छे बच्चे जो फ्यूचर पाकिस्तान के एक महाफिज के तौर पर आ रहे हैं और अपने खानदान के एक सहारा बनने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जो चीज़ें हम आपको बताते हैं बेटा, जो इधर टाइम लगा रहे हैं, वो आपको ब्रिंगिंग अप, जो मैं कह रहा था कि आपकी ग्रूमिंग, आपकी तालीम और अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बनाने के लिए लगा रहे हैं।